मैं श्रीपाल वर्मा एडीसी किरमल। घटना जो है 15-10-2000 नीचे थोड़ी सी बादी मुकदमा अवधेश कुमार निवासी ग्राम जेवा मुकुंदपुर थाना मिली। उनकी तीन बेटियों को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। बादी ने तीन अभियुक्तों चुगुन्नू और नक्तुलाल नरवेश और राजेंद्र तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा कायम कराया। पुलिस आयोग जो इंस्पेक्टर थे उसमें निगोई के होशियार सिंह, उन्होंने मुजरिमों को निकाल दिया और बाजी को ही मुजरिम बना दिया और उसके खिलाफ चार्जशीट लगाकर न्यायालय में गवाह पेश हुए। मतलब जो लड़कियां तीन मरी थी उनकी माँ पेश हुई और गवाह पेश हुए। उनके आधार पर न्यायालय ने जो मुलजिम नामित किए गए थे उनको तलब कर लिया और उनके खिलाफ चार्जशीट लगा दिया। साथ ही बाजी के खिलाफ भी चार्जशीट। सारे गवाह जब पेश हुए तो साक्ष में आया कि जो मुलजिमान नामजद किए गए थे उनको न्यायालय ने दोषी माना और उनको फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें एक अभियुक्त छुटकुन्नू और नत्थूलाल इसके दौरान टाइल मृत्यु हो गई थी। दो शेष बचे थे राजेंद्र, राजेंद्र जेल में थे, नरवेश बाहर थे, दोनों को फांसी की सजा मिली। साथ साथ आईओ जो होशियार सिंह थे इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ 194 आरपीसी के लिए इंडिविजुअल जारी किया गया और एक गवाह जिन्हें झूठी गवाही दी दिनेश कुमार जो ग्राम प्रधान पद थे उन्होंने झूठी गवाही दी थी कि बादी ने अपनी पत्नी को मारा है। अब मुझसे कहा कि अब मुझसे गलती हो गई है तो उसके खिलाफ भी 194 जारी हुई है। इतने बार आईओ अभिजार सिंह और गवाह दिनेश कुमार सिंह उनको भी न्यायालय में तलब किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा 194 में। उनको भी 10 साल से लेकर आजीवन तक कारावास तक की सजा होगी। किस कोर्ट में सजा सुनाई है? जे न्यायालय 43 सिद्धार्थ बागर।